जस्टिव देख रहे हो तुसी, मैं के पी सिंह तुहाडा स्वागत करदा। कोरोना वायरस करके पूरी दुनिया दे विच एक दहशत वर्गा माहौल पैदा करन दी कोशिश की जा रही है। दहशत उन्नी है नहीं जिन्नी पैदा करन दी कोशिश की जा रही है। हालांकि तुसी इह कहोगे कि तुहानू उन्नी समझ नहीं हैगी जो तुसी इहो जिहीआं गल्लां करदे हो, पर असीं समझ नाल इह गल कह रहे हैं कि दहशत फैलाओ ना, ना दहशत विच रहो, क्योंकि कोरोना खिलाफ़ जंग लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है। कोई कोरोना नूं एड्स नाल इहदी तुलना करके बैठ जा रहा है, इहो जिहा तुलनात्मक अध्ययन सही नहीं हैगा। कोरोना वायरस इस नूं खत्म किया जा सकता है, इस नाल लड़िया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। जिस तरीके नाल काम हो रहा पूरी दुनिया दे विच, उस तरीके नाल सानूं सारयां नूं एकजुट होकर सुचेत होकर कोरोना वायरस बारे समझना होगा, सोचना होगा असल में स्थिति है की है। 170 मुल्कों तो वध कोरोना वायरस है वो अपना असर दिखा चुकी है, 9200 तो वध मौतां हो चुकी हैं। इस सब दे विचाले सानू सारयां नूं की करना चाहिए, चाइना तो भी सानू सीखना चाहिए, इटली तो भी सानू सीखना चाहिए, अमेरिका तो भी सीखना चाहिए, भारत तो भी सीखना चाहिए, पाकिस्तान तो की सीखना चाहिए, ये भी सानू सोचना पवेगा। सारे मुल्कों से सानू कोई ना कुछ सीखना पवेगा, पर एक सवाल सानू सारयां नूं सोचना पवेगा, कोरोना नाल किवें लड़िए। वड़ा सवाल इको इस डिबेट दे विच पुछा जाएगा, सवाल यह पूछना लाजमी हैगा कि कोरोना खिलाफ़ जंग विच किहड़े सिस्टम नूं मजबूत करन दी लोड़ है। असी उस सिस्टम की गल करा कि ये इम्यून सिस्टम भी हो सकता, साडा पोलिटिकल सिस्टम भी हो सकता है, साडा हैल्थ सिस्टम भी हो सकता है, तो साडा सोशल फैब्रिक सिस्टम भी हो सकता है। असी सारे सिस्टम समझ की कोशिश करनी है, इस करके सवाल अभी पूछ रहे हैं कोरोना खिलाफ़ जंग विच किहड़े सिस्टम नूं मजबूत करन दी लोड़ है। पैनल साडा मौजूद हैगा, उन्हें तुहाडा तारुफ करा रहे हैं। मेरे सहयोगी गगनदीप चौहान मेरे नाल मौजूद रहणगे। गगनदीप, तुहाडा भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमणीक सिंह बेदी, ये बहुत ही तजर्बेकार डॉक्टर ने, हैल्थ प्रोफेशन दे विच इन्हां लंबा तजर्बा, नैशनल वाइस प्रैजीडेंट ने IMA दे, इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे, इस तों इलावा वाइस चेयरमैन ने IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया दे, एडवाइजर ने मैडिकल एथिक्स कमेटी वर्ल्ड मैडिकल एसोसीएशन दे। बेदी साहब तो सारा सिस्टम समझने की कोशिश करांगे, बेदी साहब नूं इस बारे बहुत चंगी तरह जानकारी, इस करके उन्होंने सद्या। बेदी साहब, तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह, अक्सर तुसी इन्हां नूं पोलिटिकल एनालिस्ट दे तौर ते इत्थे देखते हो, पर ये चंगे सोशियोलॉजिस्ट भी है, प्रोफेसर रहे ने, लंबा समय इन्होंने पढ़ाया भी है, इकोनमिस्ट भी ने, एग्रीकल्चरिस्ट भी ने, यह सारा कुछ समझते हैं कि किस तरीके इन सारे खेत्रों के असी आपदे आप नूं अगे लैके जाना, पर जो एक समाज के ताने बाने की गल आती है उदो प्रोफेसर मनजीत सिंह तो यह सारे ताने बाने की स्थिति समझने की कोशिश करा कि जिहड़ा पैनिक क्रिएट किया जा रहा वो असल में पैनिक है जां इस नाल लड़ाया जा सकता, तो पैनिक के विचाले कोई इकोनॉमिक्स तो नहीं हैगी। प्रोफेसर मनजीत सिंह, तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल बेदी साहब तुहानूं करना चाहूँगा, बेदी साहब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उस स्थिति नाल असी नजिट सकते हैं या नहीं सकते, पहला तो मैं इस सवाल का जवाब दे दो। इंदे नाल जुड़िया हुआ सवाल है, उस स्थिति नाल ये नजिट सकते हैं, साडे कोले सिस्टम इहो जिहा हैगा हैल्थ सिस्टम, क्योंकि जे मैं कल्ले UK दी उदाहरण लवां, UK विच जे 1000 केस डिटेक्ट होया तां उत्थों एक बयान इहो जिहा आंदा है कि 10000 लोग इहो जिहे हो सकते हैं, पर फिलहाल उन्हां कोले उन्ना सिस्टम नहीं हैगा। असीं तां भारत की गल करदे पए हां, साडे कोले इहो जिहा सिस्टम हैगा, तुसीं पिछे कह के गए सीगे। मेरा सवाल बड़ा सधारण है कि असीं किहड़ी स्टेज दे विच खड़ा, इंडिया स्टेज A, B, 1, 2 किहड़ी स्टेज च? इसी जिहड़ा तुसी सवाल पुछिया है बिल्कुल लाजम सवाल है। अमेरिका कह चुकिया कि साडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस दे नाल लड़न वास्ते, तुसी आप ही किया कि ब्रिटेन ऑलसो हैज एडमिटेड कि उन्हां कोल भी इन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हुण ये सब गल्लां नूं असी परे रखना, जिहड़ियां इहो जिहियां नैचुरल या कलैमिटीज़ ने या इहो जिहे दौर आंदा है जदों कि मास लैवल ते कोई एक प्रकोप, मैं समझदा इस नूं कह सकदे हां असी, वो हुंदा है, तो उहदे वास्ते कोई इस तरह स्टैंडर्ड प्रिपरेशनस जिहड़े काम नहीं आंदियां। असी इस वेले पॉजिटिव हो के ही कुछ अगे चल सकते हैं, नैगेटिव होने नाल सानू कुछ प्राप्त नहीं होना, पहली गल। दूजी गल मैं ये कहना चाहना कि चाइना तो सानू बड़ा वड्डा एक लैसन मिले, तुसीं हुणे कहा कि सानू हरेक कंट्री तो कुछ लैसन लैना है, सो लैसन सानू चाइना तो सब तो वड्डा यह मिलता पे है कि उन्होंने 3 महीनों च उन्हों का ग्राफ जिहड़ा हैगा वो काफ़ी घटना शुरू हो गया है। सर उन्होंने इस स्टेज पर आके 0 करता है, एक केस भी नहीं आया 24 घंटे सामने। अज के दिन च जिन्नी मौतां चाइना च हुई सीगियां उस तो ज़्यादा मौतां जिहड़ी हैं चाइना तो बाहर हो चुकी हैं। इटली रिकॉर्ड तोड़ता इटली ने एग्जैक्टली 24 घंटे एग्जैक्टली। सो दूजी गल मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान च एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि असी क्योंकि शुरू तो ही मुश्किलों नाल लड़ते आते हैं,
अपने निजी जीवन च या एज ए कम्यूनिटी या तुसी स्कूलों से जाओ हस्पतालों से जाओ बसों से बैठो ट्रेन से बैठो हर जगह सानू एक स्ट्रगल करन दी एक लड़न दी जिहड़ी शिक्षा हैगी है वो शुरू तो मिलती है तो अज वो काम आने वाली है। मैं WHO च रहा होया है उत्थे अजे भी तुसी जाओ बैंक विच अगर चार तो पंजवां बंदा अगर बैंक चल जाता है तो उन्हां दा सिस्टम फेल हो जाता है। उस सिस्टम तो इलावा चल ही नहीं सकते उन्होंने जेडे सिस्टम्स ही सारे जेडे है उन्हीं कंट्री चलाते हैं। डॉक्टर साहब इंडिया जो डेटाबेस पेश किया जा रहा है इस वे वो बिल्कुल एक्यूरेट है वो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर विच की हो सकती ने? यस जो सवाल है बड़ा नाजुक है ये बारे चर्चा बहुत हो चुकी है। सर असं जिक्र ये नहीं दस सके मैं गगन के सवाल से एड ऑन कर रहा आइसोलेशन किन्ने जाने हैं ते क्वारंटाइन किन्ने हैं असं ये नहीं दस पा रहे ना सानू यह समझ आ रही है कि विदेश विचों किन्ने जने आए सी जिन्हां असी डिटेक्ट कर चुके हैं जिन्हां बारे साडे को इनफॉर्मेशन हैगी है असी वो भी नहीं सांझी कर पा रहे। जे असी मार खावांगे ते इन्हां कामां करके मार खावांगे और ये जिहड़ी पोजिशन है ये अज दे दिन च पैनिक करे तो बिना इट्स ए वेरी वेरी सीरीयस सिचुएशन और इस विच नहीं है असी डिनायल मोड बड़ी छेती जाने हैं उत्थे असी एक पासे कहने जी कि पैनिक ना करो मगर अगर प्रॉपर डाटा नहीं होएगा तुसी उनु हैंडल किवें करोगे। इस तो बिना यह सब तो पहला स्टेप है कि सानू डाटा होना चाहिए। देखो मीडिया का मैं इत्थे धन्यवाद करांगा तुसी जिहड़ा हैगा ऑलमोस्ट गवर्नमेंट नू फोर्स किया है कंपेल किया है कि वह टेस्टिंग फैसिलिटी जिहड़ी हैगी है उनू वधान। अज बड़ी अजीब जी गल लगती है कि चाइना तो इटली का बॉर्डर कितने नेड़े तेड़े नहीं है इंडिया तो चाइना का बॉर्डर बिल्कुल नाल नाल है। इंडिया तुसी गल करते हो 200 तो घट केसिस दी ते इटली च मौतां हो गई 3000 के करीब तो इत्थे कुछ जेड़ा एहो जिहा चीज हैगी है जो सानू अजे तक सामने नहीं आई है। एक सवाल होर डॉक्टर साहब जिहड़ी गल तुसी कह रहे सी कि सानू बचपन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने की सिक्ख्या जिहड़ी हैगी पूरे सिस्टम चो मिलती है असी शुरुआत तो इस तरह पले बड़े होंने ये जिहड़ा स्ट्रगल करने वाली आदत है कि इस आदत करके भी लोग अपने आप नू अपने आप अपने तरीके नाल ही तो नहीं सोच के बैठ गए कि असी तो ठीक ठाक है सानू तो कुछ होना ही नहीं है। यस ए भी जिहड़े हैगी है देखो किसी कंट्री दे जिहड़े पैरामीटर्स ने ग्रोथ दे होन किसी चीज़ दे भी होन सफलता दे होन वो दो पैरामीटर जिहड़े हैगे ने बेसिक हैं वो सारी उम्र रहनगे वो है एजुकेशन ते हेल्थ। सो साडे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन ते जोर जिहड़ा हैगा या GDP का जिहड़ा अंश है वो घट है हेल्थ ते तो बहुत ही ज़्यादा घट हैगा। जदों भी असी मास्टर प्लैन बनाने हैं या विजन प्लैन बनाने हैं उत्थे जदों नैचुरल कलैमिटीज़ वास्ते इहो जिहे डिजीज़ वास्ते अर्थक्वेक वास्ते असी इहो जिहियां फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं सिस्टम दे विच ताकि जदों लोड़ पए तो सानू एकदम डटना भजना ना पए सानू असी ऑलरेडी तैयार होण और उसनू लड़न वास्ते। तुसी बहुत सिस्टम की गल कर रही है मैं एक छोटा ब्रेक लेना ब्रेक तो वापस आवांगे बहुत सारे सवाल है जिहड़े असी तुहाडे लई पुछ रहे हैं तुहानू समझ आउणी चाहीदी है सारी स्थिति है की है कोरोना वायरस उन्ना खतरनाक हैगा जिन्ना खतरनाक दिखाया जा रहा है इस तो अलावा होर वायरस जां होर बीमारियां इहो जिहियां हैगियां जिहड़ा लगातार खा रही पर इंदा स्ट्राइक रेट ज़्यादा इस करके सानू डर तो नहीं लग रहा ब्रेक तो वापस आके सवाल होगा जरूर। सवाल असं ये पूछ रहे हैं कि कोरोना खिलाफ जंग में किस सिस्टम को मजबूत करने की लोड़ है इस सवाल तुसीं बहस कर रहे हैं पैनल साडा मौजूद हैगा डॉक्टर बेदी। एक सवाल मैं छड़ के गया सीगा मेरा स्ट्राइक रेट कहने का मतलब ये सीगा कि ये तेजी नाल वध रहा पर सवाल यह है कि जिहड़ा इंदा मौत दर का अंकड़ा जां अफेक्ट करन दा अंकड़ा है वो बाकी वायरस के मुकाबले बहुत घट हैगा उसके बावजूद साढ़े दहश बोलता तकरीबन 3% मोटरेट रेट है मेरे लगता। यस हाँ जी तुसी जिवें गल करते पे हो कि सब तो वड्डी इहदी जिहड़ी तुसी अगर पॉजिटिविटी कोई लैके चलोगे तो यही हैगी है कि इहदा जिहड़े फर्टैलिटी रेट है जां मोर्टैलिटी रेट है ये काफ़ी घट है। सो अगर असी बच पावांगे तो इस करके बच पावांगे क्योंकि साडा जिहड़ा हैगा इस वायरस का मोर्टैलिटी रेट घट है। हुण इस नूं देख के असी एक बैलेंस रूप से होकर चलना है सोसाइटी नूं भी पर्सनल लैवल पर भी गवर्नमेंट नूं भी पैनिक नहीं करना जरूरत तो ज़्यादा स्टैप नहीं चखने ताकि इकोनॉमी साडा एक पुअर कंट्री भी हैगी है बट एट द सेम टाइम असी ये ना होइए कि अज एक रुपये बचाने पिछे असी 10 रुपये बाद खर्चने पैन अज थोड़ी जी मुसीबत नूं झेलन वास्ते असी वो तैयार ना होइए तो कल नूं वड्डी एक मुसीबत सामने साडे आके खड़ा हो जाए। अज दे दौरान जो है जो जे देखा गया कि पहले तो दूसरे हफ्ते दे विच इटली होए फ्रांस होए ईरान होए बड़े घट
जेडे केसिस ने वो सामने आए जो ये चौथे तो पंजे हफ्ते जेडे अजक गलों चर्चा च आ रहा है तो साढ़े को एक महीना है एक महीना है ये क्यों कहते हैं क्योंकि देखा गया कि इन्होंने कंट्रीज चौथे तो पंजे जेडे केसिस 8, 10 या 100 से सडनली 25,000, 20,000 आजादी के 70 साल बाद सोशल लेवल से अभी कितने खड़े हैं यह पेंडेमिक जिसन WHO कह रहा है वो लड़न दे देखो गगन जी के ये एक किस्म की तुसी मैनमेड है ज नैचुरल डिजास्टर है तो अपना कोई इनकुआरी बाद में ही पता चलती है पर एक डिजास्टर सोशल लैवल से असं कितने खड़े हैं साड़ी सोसायटी उन्नी स्ट्रोंग हैगी है कि इस तरह के पेंडेमिक का असी कोई इलाज लग सकीए या इसके खिलाफ इकट्ठे एकजुट होकर खड़े हो सकी सोशल लैवल से 70 साल हो गए सू आजाद हो डिजिटल इंडिया की गल करते हैं दो गल् है एक तो है कि नैचुरल इम्यूनिटी जिहड़े गरीब कंट्री है जिन्हें भी है क्योंकि वह बहुत जिहड़ी सैनीटेशन ते हाइजीन नू मेनटेन कर नहीं सकते क्योंकि पावर्टी आ तुसी जाके चंडीगढ़ के सिटी ब्यूटीफुल च भी देख लो जिहड़े सलम जाके हैगे आ कोई भी जिहड़ी ह्यूमन लैवल दियां किसी भी पद्धर के उत्ते उन्हां दियां लिविंग कंडीशनस नहीं है जिहड़े उस हालातों के विच पहले रहिंदे जिवें डाक्टर साहब कहने की कोशिश कर रहे सीगे उन्हां नू इहो जी वायरस जिहड़ी उह छेती मैनू नहीं लगता कि उह छेती छेती उन्हां दी इम्यूनिटी पहले ही इन्नी ज़्यादा आ इस करके उन्हां नू उह ना अटैक नहीं करूगी पर बेसिकली जिहड़ा सारा इन्ना ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा इन्ना भय सारी जगह फैलाया जा रहा वो क्योंकि ये अलीट क्लासा जिहड़े कि नेचर नालों कुदरत नालों ज़्यादा दूर हट चुके आ एसियां च रहना अपनिया एसी गड्डियां च रहना एसी घरां च रहना वह जे सफाइया ज़्यादा रखनिया 24 घंटे उत्थे तुहाडा इम्यूनिटी बॉडी का सिस्टम जिहड़ा कमजोर पै जांदा ते उन्हां दे अटैक ज़्यादा छेती करदी है वह फिर अपनी जिहड़ी बीमारी है मिडल क्लास अपर मिडल क्लास दी तुहानूं थोड़ा याद करा देवां डॉक्टर बेदी ने पिछली बार डिबेट च गल कही सी कि साडा जिहड़ा जिहड़ा तुसीं जिन्हां दी गल कर रहे हो गरीबी रेखा तो हेठां लैण वाले लोक है उन्हां दी इम्यूनिटी लैवल तुसीं कह रहे हो अप है पर इन्हां ने गल डॉक्टर बेदी ने पिछली डिबेट च कही सी कि जो उन्हां तक पहुँच गया फिर साडे तों स्थिति संभलूगी नहीं दोवें देखो दे इस तरह हैगा ये डिपेंड करदा अजे तक तो जो देखो वायरस बारे हैगा ये बॉडी की इम्यूनिटी के उत्ते डिपेंड करदा जे कोई वायरस इहो जी आ कि जिहड़ी जितना HIV हैगी है वह तो सीधा सीधा तुहाडे इम्यूनिटी सिस्टम से ही अटैक कर रही है पर इहो जिहियां वायरस जिहड़ियां नमून जिहड़ियां इनफ्लुएंजा टाइप वायरस है वो ताड़ी अपनी बॉडी की रजिस्टेंस के उत्ते डिपेंड करता जे मैं गलत होऊंगा तो डॉक्टर साहब अपने एक्सपर्ट ओपीनियन दे सकते हैं पर मैनू यह लगता कि जे यूरोप दे विच इन्ना ज़्यादा वो फैलाव हो रहा तेजी ना हो रहा क्योंकि वो उन्होंने सो कॉल्ड जिहड़े हाइजीन लैवल सैनिटेशन लैवल का बड़ा हाई रखा होया तो बॉडी उस तरीके उन्नी कमजोर पै जाती है इहो जिहियां बीमारियां जिहड़ियां नैचुरल इहो जिहियां जां कोई भी सिंथेटिक है जां नैचुरल आ मैं फिर ये कहना यह नहीं पता है कि लैब च बनाई छड़ी गई है जां असल च रब्बों ही कोई पैदा हो गई है पर इस गल नूं इस गल दा इह जरूर है जित्थों तक समाज का है मेरा ख्याल है कि ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਗਨ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਇਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਠੀਕ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਸੁਧਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਡੈਥ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹਰ ਟਰਬਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ COVID-19 ਵਾਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯੈਸ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਮਰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਹੈ ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਡਾਕਟਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਥਰੂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਮੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਲੰਗਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸਪੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੂਵਨ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮਦਰ ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਏਕ ਸੀਗਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸੀਗਾ ਸਿਰਦਰਦ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਸਿਰਦਰਦ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਿਮਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਕਫ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹ 3 ਮੇਜਰ ਸਿਮਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਮਟਮ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਦਰਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ 3 ਰਹਿਣ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੈਸ ਇਹ 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 ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਨੋਟ ਈਵਨ 60 ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣਾ 60 ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 80 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਸੀਗੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ 'ਚ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਕਰਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗਰੇਪਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਔਰੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਕਰਾਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
हाँ जी सरकार अपनी जिम्मेवारी तो भज नहीं बिल्कुल इनू बंद कर दो उनू बंद कर दो वो तो आर्डर करी जांदे आ ये दसण लई कि देखो असीं किन्ने चिंतित आ किन्नी असीं कोशिश कर रहे एक सवाल हो रहा है नहीं पर नाल ही जिहड़ी ओह कर की रहे आ जिहड़े एम्प्लॉईज आ ओह कहिंदे कि पहले हफ्ते असीं इन्हां दे 25% कट्टांगे फिर उदों बाद 50% कट्टांगे जे महीने तक असीं उहनां नूं 50% ते रखांगे उदों बाद असीं उहनां नूं सैक कर देंगे इहदा मतलब यह आ कि सारे दा सारा इस गल दा बोझ छोटे कारोबार से पऊगा तो छोटे कारोबार लद रहा अपने वर्करों के उत्ते तो यदा तो बहुत ही ज़्यादा भयानक साड़ी अर्थव्यवस्था से असर आने वाले समय से पैण वाला प्रोफेसर मनजीत सिंह एक गल जी तुम इस तो पहला कह रहे थे ये कह रहे थे एक बहुत बड़ा हिस्सा अजिही आबादी का है जिसके को सारे ना फोन फैसिलिटी ना कुछ हैगा इस तरह की चीज़ा एक पिछले दिन एक वीडियो जरा इटली का वायरल होया उस इटली के लोग जिहड़े लॉकडाउन हो चुका है पूरे तरीके उस एरिए लोग अपने घर की बालकनी बह के एक दूजे लिए म्यूजिक जिहड़े हैगे इंस्ट्रूमेंट वो वजा रहे एक दूजे नूं गाने सुना रहे अपने घर दे विच रह के आमो सामने होके जिहड़ी भारतीय सो कॉल्ड एजुकेटिड कम्यूनिटी हैगी जिस की तुसीं गल कर रहे सीगे जिहड़ी इलीट कम्यूनिटी है वो इलीट कम्यूनिटी वट्सएप से ज्ञान जिहड़ा हैगा वो फॉरवर्ड कर रही है कि करोना दे नाल किहड़ी दवाई नाल जिहड़ा हैगा लड़ाया जा सकता है किहड़ा देसी इलाज नाल लड़ाया जा सकता है असीं इलीट होए हैं या असीं होर ज़्यादा पिछड़ गए हैं मैं तो थोड़ा जा, थोड़ा इस दे नाल ही सवाल है असी करोना नाल लड़िए जां फोन नाल लड़िए बिल्कुल बिल्कुल गल तुहाडी ठीक है हालत यह बन गया कि करोना मंदिर बन लग गया करोना का सिंबल बना के उन्हें पूजा की जा रही है वो उत्थे कई ने अपना और सो कॉल्ड इलीट क्लास कर रही है नहीं, बिल्कुल एक बहुत वड्डे आगू कह रहे हैं कि 15 मिनट धुप च बजो करोना खत्म नहीं तो कई ने तो यह कहता क्योंकि जेड़े ताडा बेसिकली जो सैनिटाइजर आ जो हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस हैगा डॉक्टर साहब मेरा ख्याल जे मैं ना गलत होवां तो करैक्ट कर देंगे अल्कोहल बेस होने करके कई ने कहा लै तो कम ही सीधा तुम दारू पियो तुम हो होगी नहीं तो अंदर ही सैनिटाइजर चला गया इस करके बहुत फुहामा का जोड़ा गर्म हैगा आ कई ने तो आप गऊमूत्र का ही एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाता भी यू कट्ठा करके कई ने शबीला लाती गऊमूत्र मतलब ये देश है कि कहो जहा मेरा ख्याल सरकार सोशल मीडिया दोजी सारिया अफवाह जान जे होर भी यहोजे पब्लिकली कर रहे हैं उन्होंने उत्ते बिल्कुल बैन लगना चाहिए सानू तो घर कहें बह जाओ होर बाहर ना निकलो मंडिया ना हो फलाना ना हो सारा कुछ स्कूल कॉलेज सारा कुछ एग्जाम सारा कुछ बंद करता पर उन्होंने भी बंद कराओ जो गलत प्रचार करके लोगों मिस आई एम ए भी अहदेदार हो आई एम ए अजिहे जो झूठ फैलाने वाले लोग है इन्हों के खिलाफ केस नहीं करवाना चाहिए लोगों पहला ही जो मुल्क है इन्ना पिछे हैगा इन्ना पछड़ा होया है उस मुल्क इस तरह दल्लों फैला के जो साइंटिफिकली ठीक नहीं है उन्हां गल्लां नूं लीडर्स जदों फैलांदे आ उन्हां दे खिलाफ केस नहीं होने चाहिए देखो गल यह है कि भी गवर्नमेंट की अगर विल होए इंटेंट होए तो ये वास्ते लॉ बनाने वास्ते इन्हां कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट वास्ते एक काम करना लॉ की गल कर रहे हैं हुण वी असीं 1897 वाला लॉ दी ते काम करदे पए आ सुनवाई होगी मैं एक होर गल ते आना चाहना है कि देखो असी इस वेले इस कोरोना वायरस की अगर गल करिए उस कानून दे वे सोध होनी चाहिए डॉक्टर बेदी मैं सवाल छड़ना नहीं चाहता बिल्कुल होनी चाहिए है पेंडेमिक वुहान तो जो शुरू होता है इंडियन गवर्नमेंट ने परसों चौथे खुलासा किया एम ई ए ने कहा कि असी उन्होंने मदद भेजी है लोकसभा के जो है जवाब भी दिता रिटर्न में कहा कि इन्ने मास्क भेजे इन्ने सारे सैनिटाइजर भेजे चाइना तो असी इसकी पैरल केस स्टडी लैन की भी कोशिश की कि उत्थे किवें फैल रहा है तो उत्थे किवें ट्रीटमेंट किया जा रहा है यस देखो इस तरह हैगा कि गवर्नमेंट की मशीनरी जी हैगी है वो हरेक पद्धर के उत्ते एक्टिव हुई हुई है मैं एज ए आई एम ए रिप्रजेंटेटिव हुने ही तुहाडे स्टूडियो ते आन तो पहला डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज नाल साडी मीटिंग सीगी तो असी तुहानूं मैं ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि आई एम ए दे राही असी एश्योर किया है कि जिन्ने भी चंडीगढ़ विच हॉस्पिटल प्राइवेट हैगे ने उहदे विच आइसोलेशन कॉर्नर बनाए जाणगे और इनिशियल स्क्रीनिंग जिहड़ी हैगी है पेशेंट की वह की जाएगी जे उन्हां दी टैस्ट की लोड़ पएगी तो टैस्ट भी किए जाणगे थोड़ा एजुकेट भी कर दो डॉक्टर बेदी इहदे नाल आइसोलेशन ते क्वारंटाइन हुंदा की है सानू लोकां नूं इही नहीं समझ आ गई असी हर नूं इक्को घोड़े नाल इक्को रस्से नाल पजाइया ने मीडिया दे जिहड़े भरा हैगे उह वी इस तरह दे दोवां दा जिहड़ा हैगा रडगड करी जांदे दोवां नूं आपस विच इह थोड़ा समझा दो इहदा मतलब की हुंदा देखो क्वारंटाइन आइसोलेशन जिहड़ी हैगी है ते क्वारंटाइन च फर्क काफ़ी ज़्यादा हैगा साइंटिफिक भाषा विच समझा दो अज साइंटिफिक समझाउणा पऊगा
देखो क्वारंटाइन च यह है कि अगर मैनू यह प्रॉब्लम आ चुकी हैगी है तो मैं अपने आप को सुरक्षित रखा या यह जे माहौल रख देव एक कमरे च हो जाव ताकि मैं अगे इस फैला ना सकाँ। आइसोलेशन जी हैगी है, आइसोलेशन इज़ नॉट ओनली कि जेडे बंदे नू कोरोना वायरस होया उन्होंने ही आइसोलेशन की लोड़ है। आइसोलेशन तुसी अपनी जगह पर बैठे हो गए, तुसी अपनी जगह बैठे हो गए, मैं अपनी जगह बैठा होऊंगा तो मैनू कोरोना वायरस अगर हैगा तो मैं तुहानू ओनी पहुँचाऊंगा क्योंकि तुसी आइसोलेट हो अपनी थान पर। क्वारंटाइन जी है, क्वारंटाइन वो मैं जरा ऑलरेडी कोरोना वायरस नाल पीड़ित हैगा मैं उस इन्फेक्शन उत्थे रोका, ये मेरा फर्ज है। जिवें चिकन पॉक्स विच क्वारंटाइन इज वेरी पॉपुलर। क्वारंटाइन मतलब पीड़ित दे लई हो गया और आइसोलेशन जिहड़ा शक्की केस है उसके लिए। हाँ एग्जैक्टली ठीक सो शक्की केस दे लई असी आइसोलेट साडा मीडिया दा माफ करना साडा मीडिया दा सारा नूं मरीज दसी जांदा। हाँ साढ़े साढ़े शक्की मरीज भी कह देंगे डॉक्टर साहब, शक्की मरीज हो सकता है या शक्की हो सकता है सिर्फ? देखो मरीज कभी शक्की होंगे, असं शुरू से ये गल की इन्होंने कि असं पॉजिटिव होकर चल रहे हैं कि ये जिस 85-90% तो यहोजा नॉर्मल फ्लू जोड़ा है खांसी जुकाम है ये उस लैवल का ही डिजीज करता है, ये सिर्फ 5-7% 3% असं कह रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब मेरा जो सवाल से टर्म के जुड़ा हुआ है, जी टर्म का असं इस्तेमाल करते हैं साढ़े मीडिया में बहुत सारे है अजे जे इस्तेमाल करते हैं इस टर्म शक्की मरीज, कि ये टर्म अपने आप में ठीक है या शक्की अपने आप में परफेक्ट टर्म है? देखो शक्की मरीज सिर्फ असी इस वेले क्यों यूज कर रहे हैं ये वर्ड, क्योंकि साढ़े को टेस्टिंग फैसिलिटी जी हैगी है घट है। जिन्ना भी खांसी जुकाम का अगर तुम कहो मरीज हैगा उन्हूं असी एक इनिशियल स्क्रीनिंग में कह सकते हैं सर डॉक्टर बेदी हुण तुसी आए हो ना सही गल ते, इससे अगे असी डाटा नहीं डिस्कलोज कर दे। एग्जैक्टली जो साडे कोई सिस्टम नहीं हैगा असी डाटा किवें दसीए? यस सवाल ही है। ब्रेक तो वापस आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल है वो पुछने लाजमी होंगे है पर कई सवाल असी छड़ जाने हैं, पता नहीं असी भुल जाने जां असी जान बुझ के भुलना चाहते हैं, पर असी हर सवाल के नाल तुहानू जागरूक करने की कोशिश में बैठे हैं। तुहानू ये भी दस दिए डॉक्टर साहब तो भी असं पुछांगे, मास्क ते सैनिटाइजर की लोड़ हमेशा नहीं रहिंदी? मास्क की लोड़ उदों है जो तुसी किसी होस्पिटल जाने हो जां तुसी भीड़ भाड़ वाले इलाके जा रहे हो, सैनिटाइजर की लोड़ उदों है जो तुसी होस्पिटल विचों किसी मरीज का पता लैन गए हो जां तुसी होस्पिटल विच जां भीड़ भाड़ इलाके वाले स्थान पर तुसी जा रहे हो। पर सवाल यह हैगा मास्क सैनिटाइजर तुहानू यह कह के बेचा जा रहा है कि तुहाडा इहदे बिना सरना नहीं, दुनिया मुकणी चली जिंदा असी तुसी भी रहोगे असी भी रहोंगे, इम्यूनिटी पावर आप दी वी ओ स्ट्रोंग करो, विल पावर स्ट्रोंग करो, तुसी जिंदा असी भी जिंदा रहोंगे। ब्रेक तो वापस आ रहे हैं, सवाल असं ये पूछ रहे हैं कि करोना खिलाफ जंग में किहड़े सिस्टम को मजबूत करने की लोड़ है? डॉक्टर बेदी अक्सर कहा जाता है, वैसे बड़ी अजीब जी गल लगती है कि जो कोई बीमारी फैलती है तो डॉक्टरों की चांदी होंगी है, इस बार अजिहा नहीं है, सरकारी हस्पतालों में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, पर चांदी जेडे कर रहे हैं जेडे मास्क ते सैनिटाइजर के नाते लोगों के पैसे जेडे है दुगना तिगना रेट कर दिता गया, उसका रेट जो है इस तरीके वधाया गया अगे तो हूँ अवेलेबल ही नहीं है, इसकी लोड़ है किन्नी हैगी है, लोग क्यों खरीद मास्क ते सैनिटाइजर की लोड़ किसनों है किन्नी है? ये ऑलरेडी असी जिक्र कर चुके हैं कि मास्क की जिहड़ी वरतो है सिर्फ उन्हां वास्ते है जिहड़े कंजस्टेड एरिया च जा रहे ने, जिहड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे ने, या जिन्हां दे जिन्हां नूं खुद खांसी जुकाम है या उन्हां दे आस पास जिहड़े हैगे ने इहो जिहा माहौल है जिथे कि काफ़ी सर साढ़े तो ऑफिस सारे मास्क पा के बैठे हुए हैं, उन्होंने असं की कही है पैनिक है वह पैनिक है वह प्रकॉशन नहीं है वह कॉशन नहीं है। मीडिया वाले मैंने फोन करके पूछी जाते भाई मास्क ले लिया तू? नहीं वो उत्थे वो सानू तुसी जिहड़ा ए असी हुण डिस्कशन कर रहे हैं ये डिस्कशन दा एडवांटेज यही है। मैं तो सलाह दित्ती ए दित्ती गई सी डॉक्टर साहब तो एक मिनट की दूरी पर बैठी तू दसो नहीं एक मीटर की दूर से तुम बैठो कोई हर्ज नहीं है हाँ। मगर गल है कि ना तो खंघ है ना मैं खंघ है हाँ। तो फिर एक मीटर की दूरी जी है ये मिथ है हाँ। जे तो खांसी है हाँ। तो फिर अभी एक मीटर की दो मिथे भी दूर कर दो, तुलसी नाल ठीक हो जू सारा कुछ क्लोरोकीन एक नाम आ रहा है प्रिवेंशन वास्ते भी कोई एहो जी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, चाइना ने मना करता डॉक्टर साहब उससे हां मैं वही कह रहा कि भी कन्फर्मेशन नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एदा कोई क्योर अजे तक है ही नहीं है, असीं अंदाजे कित्थों लाउणे शुरू कर दिंदे फिर कित्थों आउंदे अंदाजे साडे कोल? इह गल है कि वी हुण हरेक ने अपने हथ सेकने इह साडी हिंदुस्तान दी इक इक सैकंड नेचर है कि जदों मैं समझदा कि भी जिन्ने वैसे डॉक्टर है नहीं
ਮਗਰ ਘਰ ਘਰ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੁਗਤਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕਿੰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੇ CA ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ, ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਭੂਤ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਗਨ ਜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੇਚਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, WHO ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, WHO ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, USA ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ WHO ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? ਯੈਸ, ਅਸੀਂ WHO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ WHO ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ WHO ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ WHO ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ WHO ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਡੋਨਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਛ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਜੀ ਇਹ ਉਹ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਯੈਸ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਡਿਕੇਡਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1.5-2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯੈਸ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਯੈਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਨਾਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਮੈਨਮੇਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨਮੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
शैतानी दिमागों के वायरस है उनका इलाज तो नहीं है कुछ नहीं है बिल्कुल ठीक है जो कुदरत की रजा में नहीं रहना सीखांगे मैं धर्म की बोली नहीं कह रहा वैसे एक साइंटिफिक स्टेटमेंट दे रहा तो फिर सानू यहोजा बार बार चीज़ों का फेस करना पेगा असी इस धरती के उत्ते जिथे ये हवा पानी जमीन के विचों अग्नि के विचों पैदा होए हुण वो सारिया चीज़ा खासकर हवा पानी तो जमीन उन्हूं तो असी तबाह करता जंगल तबाह करते रहने लिए असी अपने लिए जगह जी साफ सुथरी किसी वेले रब ने सानू दित्ती सी उन्हूं तबाह किया तो वो बूम रैंगिंग इफेक्ट जिहड़े जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो साढ़े तो हो रहे हैं ये सानू सीखना पेगा ये कि असी दोबारा नेचर वाल किवें जाइए ए सी घटाइए होर ए सी गड्डिया होर सारा कुछ घटा के अमरीका कहता है चाइनीज वायरस है चाइना कहता है यूएस वायरस है वॉर जी है वायरस वॉर तो नहीं शुरू हो रही कि देखो ये तो बहुत सारिया थीरीज है कि चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है उन्होंने कंटेन करने लिए उत्थे छड़ती आ हुण चाइना कोई कहिंदे कि उन्होंने आप की चाइना अमरीका नहीं प्रोफेसर मनजीत सिंह जी डॉक्टर साहब हमने कह के हटे कि आने वाले टाइम में होर बीमारियां आन गया कि असं वायरस वॉल वाल तो नहीं बद रहे अगे तो बीमारियां तो वध ही रही क्यों नहीं बीमारियां वधन गया जे बीमारियां वधाई जा रही कि बद रही देखो कुछ बंदे फायदा लै रहे बाकी बंदे मर रहे हैं हुण भी इस करोना वायरस का कुछ बंदे फायदा उठा जाएंगे बाकी सारिया दियां कारोबार भी तबाह होणगे सेहतां तबाह होणगियां सारा कुछ तबाह होगा और पर कुछ बंदे योजे हालातों में भी बहुत सारी ताकत भावें राजनीतिक होवे आर्थिक होवे वो बना जाएंगे यही दुनिया के सारा कुछ होगा चलो मैं समाप्त करना पेगा हम मैं सिर्फ एक गल करना चाहना है कि सानू एक चीज़ का ध्यान रखना है कि असी करोना वाले पास तो हो गए हैं मगर जिमें मेरे साथी ने कहा है कि साडा डिजीज पैट जिहड़ा बर्डन है इन्ना ज़्यादा है कि असी अज के दिन भी मलेरिया नमोनिया डायरिया माल न्यूट्रिशन अज भी ये जिहड़ी बीमारियां हैं अज के दिन च भी वो इंडिया विच उन्नियां ही ज़्यादा मौतां कर रही ने इनफैक्ट ज़्यादा कर रही हैं करोना नालों सो साडा जिहड़ा सारा जिहड़ा फोकस है वो करोना वल शिफ्ट होके ये ना हो कि करोना करके मौतां होन हज़ारां विच ते बाकियां बीमारियां करके मौतां जिहड़ी हैगियां वो लखां च हो जाए मैं एक गल इत्थे जरूर कहनी चाहुंदा जिहड़ा साडे शरीर जिहड़ी साडी स्पीसी इन्ने लखां सालां बच गई बिना डाक्टरां तों बची है कुदरत ने बचाई और उन्होंने इम्यूनिटी पैदा की जब तक असं उन्होंने रीस्टोर नहीं करते किन्ने मर्जी लोदे लाई चलो किन्ने क लाई चलो एंडलैस आ इस तो बचण लई इको गल है कि आप अपना शरीर कमजोर करिए शरीर तकड़ा करिए वो ता ही होगा जो दोबारा असं नेचर वाल जावे मैं तो सीधी ही गल प्रोफेसर मनजीत सिंह डॉक्टर बेदी मैं तुहानू तो ही समझ रहा कि मिट्टी नाल इक मिक होने की लोड़ है बिल्कुल बहुत धन्यवाद डॉक्टर बेदी तुहाडा मनजीत सिंह जी तुहाडा बहुत धन्यवाद तो गगनदीप चौहान मेरे साथी मेरे नाल रहे तुहाडा भी बहुत धन्यवाद गगनदीप सवाल असी बहुत सारे पूछे है पर इन सवालों के विचाले साडा सवाल यह सी करोना नाल किवें लड़िए सानू आपदे सारे सिस्टम मजबूत करने पैणगे मैं वार बार एक गल कह चुके हैं कि सारे सिस्टम जिहड़े तुसीं इस पैनल डिस्कशन दे विच सुने है उन्हां सारे सिस्टम ते सानू काम करना पवेगा मिट्टी नाल इक मिक होना पवेगा हालांकि तुसीं कह सकते हो कि तुसीं तां इत्थे स्टूडियो विच सज-धज के बह जांदे हो तुसीं मिट्टी नाल इक मिक हुंदे हो हाँ मैं हुंना जरूर है ते मैं चाहुंदा तुसीं भी होवो असीं उही गल्लां इत्थे करदे जिहड़ियां असीं आप उन्हां गल्लां वल नितरदे हां जां जाणदे हां असीं उहो जिहा पाशन नहीं दिंदे जिन्हां वल असीं खुद नहीं जा पाउंदे पर एक गल जरूर कहूँगा कि दुनिया मुक्क नहीं चली दुनिया है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है सावधानी वरतो तो एवें हर एक दी सलाह ना मान लिया करो आपदा दिमाग भी वरत लिया करो बहुत धन्यवाद